साहिबाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों को मोहन नगर पर रोका तो तेज गति से मोटरसाइकिल भगाते हुए हिंडन की तरफ गए, जिस पर थाना प्रभारी साहिबाबाद द्वारा सरहदी थाने को चेकिंग के लिए जरिए कंट्रोल रूम सूचना दी गई। इस सूचना पर SHO इंदिरापुरम द्वारा प्रभारी चौकी वसुंधरा को हिंडन के पास आने वाले बदमाशों की चेकिंग करने हेतु कहा गया। थोड़ी देर में दो बदमाश मोटरसाइकिल से भागते आते दिखाई दिए, जिनका साहिबाबाद पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा था। सामने से पुलिस वालों को देखकर और अपने आप को घिरा पाकर कच्चे रास्ते पर भागने लगे और बाइक गिर गई। बदमाश पुलिस को लक्ष्य करके जाने से मारने की नीयत से फायर करने लगे। एक बदमाश हिंडन की तरफ फायर करता हुआ भाग गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम चंदन उर्फ मिथुन बताया। विस्तृत पूछताछ की जाएगी, इलाज हेतु भेजा गया है। साहिबाबाद द्वारा मोहन नगर में चेकिंग की जा रही थी तो एक बाइक पे दो बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिसका इन्होंने पीछा किया और तत्काल कंट्रोल के माध्यम से संबंधित जनपदीय जो पास के थाने थे उनको अवगत कराया तो इंदिरापुरम की पुलिस भी सामने से घेरी तो इस घिराव में जो एलिवेटेड पुल जहाँ हम लोग खड़े हैं इसके नीचे की ओर वो बदमाश भागने लगा। इसमें गाड़ी लड़खड़ा के गिर गया और फायरिंग करते हुए भागने लगा। एक बदमाश फरार हो गया, एक जो बदमाश था पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी और उसको प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। बदमाश कौन था, इस पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? चंदन नाम का अपराधी है ये, जो बिसरक में रहने वाला है। इसको खिलाफ अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसमें 9 मुकदमे प्रकाश में आए हैं और बाकी आपराधिक डिटेल इसकी खंगाली जा रही है। सर किस तरह की घटना को अंजाम दिया करता है, किस तरह के मुकदमे? अब पूर्व में लूट और चोरी के कई मुकदमों में ये जेल जा चुका है और अन्य विस्तृत जो भी अभी तक पूछताछ में सामने आया है विस्तृत अभी इसकी कुंडली जो है वो खंगाली जा रही है। फरार साथी के बारे में कुछ पता लग सका है? अब पूछताछ की जा रही है, उसके लिए भी काउंटिंग की जा रही है। बाकी जो पकड़ा गया है उससे भी पूछताछ की जाएगी। प्राथमिक उपचार के बाद जो भी डिटेल आएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।